नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय एक ऐसे स्टार हैं जो अपनी फिल्मों से, अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना कर देते हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बॉलीवुड में अपने लिए एक खास मुकाम बनाया है। लेकिन उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर हमारे हाथ लगी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अक्षय जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही बुरे स्टूडेंट। हाल ही में अक्षय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो देखने के बाद ये राज खोला कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने परीक्षा से पहले बच्चों के लिए एक संदेश देने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को संबोधित किया था, जिसमें एग्जाम को लेकर उनका उत्साह बढ़ाया था। परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। इस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था जिसे अक्षय कुमार ने शेयर किया और ट्वीट किया और काफी इमोशनल हुए। उन्होंने लिखा कि ये मुझसे भी संबंधित है, मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद और कड़ी मेहनत से मुझे लगता है मैं ठीक कर पाया हूँ। परीक्षाएं आने वाली हैं, मैं विद्यार्थियों और माता पिताओं से यही कहना चाहूंगा, जीवन में परीक्षाओं के अलावा भी बहुत कुछ है। तो देखा आपने, अक्षय का ऐसा मानना है कि हर चीज पढ़ाई ही नहीं होती। वही अगर बात करें उनके प्रोफेशनल फ्रंट की तो इस साल वो 5 फिल्मों में नजर आने वाले हैं, जिनमें सूर्यवंशी, केसरी, हाउसफुल 4, मिशन मंगल, गुड न्यूज जैसी फिल्में शामिल है। वही अक्षय पृथ्वीराज चौहान पर आधारित फिल्म में भी लीड रोल निभा रहे हैं। वही हेरा फेरी 3 की शूटिंग भी अब जल्द शुरू हो सकती है, जिसे इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अक्षय के पास एक ही साल में कई फिल्में हैं जिनके जरिए वो एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज जूली दत्ता एंड आई टीच बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय IIM जोका कोलकाता। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, एज अ टीचर, व्हाट डू यू टेल पेरेंट्स हु कंसीडर एग्जाम्स एज मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर? थैंक यू सर। एज ए टीचर, हमें उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि एग्जाम से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है? बांटी, इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहा हूं। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएँ हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है, दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते, और मैं ये तो नहीं कह सकता अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करे भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है,
ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी कसौटी नहीं है। अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती है ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एकाध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का मतलब है। और दूसरी बात है प्रेशर। कभी कभी तो हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि माँ मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मैं लगता है ये मेरा बिगाड़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं सही है, इनको कुछ समझ नहीं आती, ऐसा ही होता है ना, ये कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पहले हम खास करके मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हम अपने माँ बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने। सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आध बार पूछे, अरे मम्मा ये समझ नहीं आया, जरा ये क्या कह रही थी, एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया तुझे। आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगी। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है। और फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना दृष्टिकोण कि मैंने बहुत सोचा, आपने उस दिन कहा था ना मंडे को, तो बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश भी की लेकिन कम पड़ गया, मुझे बताइए ना कैसे करूं। आपकी एग्जाम पूरी, उनकी एग्जाम शुरू, घंटे भर उनको समझ दिया है क्या जवाब थे।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके माँ बाप का बोलती बनकर ना सिखाता हूं आपको, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है। बाद में माँ बाप से आप देखिए एक मित्र भाव से आपका संवाद शुरू होगा, वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। वो सारी सजा बच्चों पर डर रहे हो, वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नहीं करना था। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचानने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है तो माँ क्या करती है, वो उठता है एक दो कदम करके गिर जाता है तो डांटती है क्या, ताली बजाती है। उस बच्चे को लगता है गिरना बुरा नहीं है, उसने भी हिटने की आदत है। अब किसी मां को किसी प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना, किसी किताब में पढ़ा था क्या? लेकिन उसको मालूम है कि बच्चे का हौसला बुलंद बढ़ाना है, फिर क्या करेगी, तीन चार कदम चलना सीखेगा तो माँ उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी रहेगी और कहेगी आओ 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 आओ, आओ। है हटती जाएगी, ऐसा करती है ना वहां, और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद करती है माँ बाप। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिति आने के बाद माँ का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है, बस अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। माँ बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए, उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से कोई परिवर्तन नहीं। जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है, एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है। मैंने कहा ना, बालक को मां दूर रह करके दौड़ाती है, वो अपेक्षा है कि भाई तुम अब 10 कदम दौड़ के मेरे पास आओ। अपेक्षा आवश्यक होती है। अपेक्षाओं के कारण हमें भी कुछ ज्यादा करने की इच्छा जगती है। अगर अपेक्षा ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, एक पेशेंट हो जिसमें जीने की इच्छा ही ना हो, अब ठीक होने का मन ही ना करता हो, ऐसा ही छोटा मृत्यु का इंतजार करना है, कितने ही बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ला दो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया अस्पताल ला दीजिए, वो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो निराशा में की गर्त में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भला कर सकता है? और इसलिए आशा और अपेक्षा ऊर्ध्व गति के लिए अनिवार्य होती है। और मैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था, यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए, वरना ये छोड़ो यार ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है,
ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशन जगा दिए, मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशन होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है जी। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए।